हेलो दोस्तों नमस्कार। हम तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे और बढ़िया ही होंगे। और भोर सुबह उठते ही घर का काम जाम फिनिश करके खाना बाना मैं खा लिया हूँ, और पापा अभी तक खा रहे हैं साथ में। हम लोग खाने के लिए बैठे थे, बट मैं फिनिश कर लिया हूँ। और क्या आइटम हुआ था आज? भेंडू आड़ू भाजी। भाजी भेंडू आड़ू भाजी, भाजी। वाह गुड। चलो, और थोड़ा बहुत मैं गया था दोस्तों लेबर ढूंढने के लिए। ओहो, पापा को मैं नहीं बताया हूँ, पापा लेबर नहीं मिले, घर रिपेयरिंग करने के लिए लेबर नहीं मिले। इस बार ये सामने साइड को हम लोग छाएंगे दोस्तों, देखिए इस साइड को है। ये 2023 बोल रहा हूँ, 2022 साल में हम लोग छाए थे, 2023 में नहीं छाए हैं, इस बार छाएंगे 2024 में। इधर उधर होल हो गया है। जब बारिश होता है तो पानी गिरता है बारांडा के ऊपर, पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाता है, तो लेबर ही नहीं मिल रहे हैं धूप के कारण। हम लोग सोच रहे हैं कि पैसे दे करके लेबर नहीं लगाएंगे, हम लोग बकरी एक देंगे। नहीं पापा, आप क्या बोल रहे हो? बकरी एक देंगे, पैसे से तो लेबर सब काम करने के लिए नहीं आ रहे हैं। बकरी एक दे देंगे, बोलेंगे कि हम पैसे पैसे कुछ भी नहीं देंगे, एक बकरी देंगे, वो बकरी को आप मारो या बेचो, हाँ, या फिर पालो, आपको जो जो करना है करो। ये बना करके अभी जाओगे बकरी चराने के लिए? नहीं, हाँ हाँ। तो यार पापा अभी बना रहे हैं हमारा धनुष का, क्या बोलते हैं पापा, धनुष तो हो रहा दोस्तों धनुष। और इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है दोस्तों, जो धनुष में खींच कर छोड़ते हैं, हाँ हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, बट हमारा इधर लोकल में बोलते हैं पंचा फंचा ऐसा कुछ, पंचा, हाँ 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 बोलते हैं, वो ही बना रहे हैं। और नया तीर पूरा तीर बोल रहा हूँ, धनुष पूरा रेडी हो गया है वो रहा दोस्तों। तो फाइनली मैं काम पर पहुँच गए हूँ, और एक्चुअल में मैं मजदूरी काम करने के लिए नहीं आया हूँ दोस्तों, खुद का काम करने के लिए ही आया हूँ। खुद का काम भी होगा और साथ में गाँव का काम भी होगा। इधर देखिए दोस्तों, कल इतना बड़ा एरिया हम लोग साफ किए हैं काट करके। इधर छोटा छोटा गाजर था, छोटा छोटा पेड़ पौधा था, वो सबको काट करके फ्रेश कर लिए बहुत दूर तक। उधर तक देखिए, जितना बड़ा एरिया साफ दिख रहा है उतना बड़ा एरिया हम लोग साफ कर लिए हैं। छोटे छोटे गाजर और छोटे छोटे पेड़ पौधा ही था दोस्तों, और जो सब हम लोग छोटे छोटे पेड़ पौधा काटे हैं वो सब हमारा लकड़ी भी होगा। और एक्चुअल में हमारा मकसद है दोस्तों, हमारा गांव में एक फुटबॉल फील्ड नहीं है, तो फुटबॉल फील्ड ज़रूरत हो रहा है। पहले से जिस फील्ड में खेल रहे थे वो फील्ड वेस्ट बंगाल का है, तो दूसरा का अनुष्ठान ही हम लोग चला रहे थे। तो गांव वाले बोले कि नहीं, हम लोग हमारा एक अनुष्ठान चलाएंगे, तो हमारा अनुष्ठान चलाने के लिए हमारा गांव में फुटबॉल फील्ड नहीं है, और इधर हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो कल भी इधर करने के लिए आया था, आज भी इधर ही आया हूँ करने के लिए। हमारा लकड़ी भी हो रहा है जलाने के लिए, सब कुछ काम भी कर रहे हैं, लकड़ी भी हो रहा है, फील्ड भी हो रहा है। तो चलिए, मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि छोटे छोटे पेड़ पौधे हम लोग काट रहे हैं ना, वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बस इतना ही मैं बोल रहा हूँ। अभी काम में लग जाऊंगा, मैं जितना स्पीड काम कर पाऊंगा उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए, क्योंकि ज़्यादा जलाने के लिए लकड़ी काट पाऊंगा। जितना भी छोटे छोटे पेड़ पौधा है ये सब काट करके फ्रेश करने के बाद नेक्स्ट स्टेप देखेंगे क्या करेंगे, हल करेंगे या क्या करेंगे, मेरा तो उतना आइडिया नहीं। इधर बहुत ही सीनियर सिटीजन है हमारा गाँव में, उन सब का आइडिया से ही हम लोग कर रहे हैं। किसी भी तरह एक फील्ड हम लोग निकालेंगे। ओ भाई, टोटल सुकून नहीं लग रहा है, पूरा 4 घंटा हम लोग काम कर लिए हैं। कल भी 4 घंटा ही काम किए थे, आज भी 4 घंटा काम किए थे। यहाँ तगड़ा धूप दे रहा है, गर्मी में काम करने के लिए टोटली मन नहीं कर रहा है। और अभी हम लोग छुट्टी हो गए हैं दोस्तों, अभी पापा के साथ मिलकर हम लोग जाने वाले हैं हमारा उधर पैसे चुकाने के लिए। नहीं पापा, रिश्तेदार घर से हम लोग कुछ कुट्टा बहुत साल 2-3 साल पहले शायद हम लोग खरीद कर लाए थे, पाँच साल हो गया हम लोग खरीद कर लाए थे, लेकिन उधार में लाए थे, पैसे नहीं दिए थे। तो उन लोग का अभी ज़रूरत हो रहा है, मुझे पता नहीं था कि हम लोग उधार में लाए हैं, पापा को ही पता था। पापा बोल रहे हैं कि उन लोग का ज़रूरत हो रहा है और पैसे देंगे। तो पापा अभी क्यों साइकिल में जाएंगे इतना धूप में? मैं काम कर रहा था, मुझे पता है कितना धूप दे रहा है, तो मैंने सोचा चलो पापा को मैं बाइक में लेकर जाऊँगा और देकर आएँगे। नहीं पापा, चलो। तो फाइनली रिश्तेदार घर हम लोग पहुंच गए हैं, पापा पैसे देने के लिए गए हैं। मैं रोड पर खड़ा हुआ हूं दोस्तों, क्योंकि जल्दी लौटना पड़ेगा, लौट करके बकरी सबको चराने के लिए जाना पड़ेगा। मैं इधर रहूंगा तो पापा फास्ट करेंगे, और मैं भी उधर जाऊंगा तो हम दोनों लेट कर देंगे दोस्तों। उधर बोलेंगे कि खाना वाना खा करके जाओ, थोड़ा दुख सुख भी बातचीत करेंगे, ये सब करते करते पूरा लेट हो जाएगा। इसी वजह से पापा को ही मैं अकेला भेज दिया। मैं लौट कर फिर से रेडी हो गया हूँ, अभी जाने वाला हूँ बाइक को सर्विसिंग करने के लिए। और पापा अभी खाना खा रहे हैं दोस्तों, पापा अभी खाना वाना खा करके जाएंगे बकरी चराने के लिए। नहीं पापा, हाँ बकरी चरा करके आकर के रेस्ट फेस्ट करके नहाने के लिए साथ में ही जाएंगे। हाँ। एरिया में एलिफेंट आए हैं, समझ में आया ना? हाँ हाँ हाँ।
तो टाइम भी हो गया है दोस्तों, डेट भी हो गया है और साथ में किलोमीटर वाइज भी कंप्लीट हो गया है। 4000 किलोमीटर में सेकंड सर्विसिंग था, 4000 किलोमीटर पूरा कंप्लीट कर लिया। तो बासंती की ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट हो गई है, अभी बासंती का हम लोग वॉश कर रहे हैं। सब कुछ पूरा ठीक ठाक हो गया है, चेन थोड़ा लूज था, इंजन ऑयल चेंज हो गया है, गियर शिफ्टिंग काम नहीं कर रहा था, और क्या क्या प्रॉब्लम, ये हेड हिल रहा था दोस्तों, साउंड हो रहा था, और बाकी सब ठीक था। वाह, पूरा टकटक कर रहे हैं। और दूसरा जगह में इसे फॉर्म फॉर्म नहीं देते हैं, इधर देखिए एकदम सफ़ेद कर देंगे। और तो इधर थोड़ा पैसे भी कम ही लेते हैं, ज़्यादा पैसे नहीं लेते हैं, कम पैसे में अच्छा सर्विसिंग देते हैं। दूसरा जगह में पैसे ज़्यादा लेते हैं बट कुछ नहीं करते हैं, वाटर और डिटर्जेंट दे करके धो देते हैं। तो यार हमारा एरिया में तगड़ा बारिश हो रहा था, अभी अभी बारिश रुक गया है और फिर से हमारा एरिया में एलिफेंट आ गया है, जंगली एलिफेंट बहुत ज़्यादा दोस्तों। मैं एलिफेंट सबको भगाने के लिए आया हूँ, इधर देखिए हमारा बांस ही दिखाई दे रहा है, बांस का पेड़, इधर बांस खाने के लिए आए हैं, उधर कुछ लोग भगाने के लिए गए हैं और इधर से कुछ लोग भगा रहे हैं। मैं लेकिन इस साइड से भगाने के लिए जाऊंगा, इस साइड से नहीं जाऊंगा, क्योंकि इधर से जाऊंगा तो ये डेंजर जोन है दोस्तों, गजाल ही दिख रहा है, देखिए भाग नहीं पाऊंगा। और इस साइड से जाऊंगा तो आराम से मैं भी भाग पाऊंगा और क्लियरली देख पाऊंगा, इधर से देख भी अच्छे से नहीं देख पाऊंगा। पूरा घर के पास आए हैं और इस बार थोड़ा ज़्यादा ही आए हैं, 15-20 पीस आए हैं इससे कुछ बोल रहे थे, एक पीस उधर क्रॉस कर लिया मिड डे टाइम। जो सिस्टम से एलिफेंट सबको भगा रहे हैं ये सिस्टम से ही नहीं है, ये सिस्टम बहुत ही डेंजर है, क्योंकि हम लोग अच्छे से नहीं देख पा रहे हैं। अभी लाइट भी बहुत ही कम है, देखिए ये पास में है, ये रहा, लाइट बहुत ही कम है दोस्तों। हमारा गाँव में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एक एक सिंगल है, डबल है, हम जितना भी गांव ऐसे एलिफेंट एरिया में पड़ रहा है वो सब गांव में एक एक ड्रोन कैमरा प्रोवाइड करना चाहिए। इधर देखिए पूरा पास में है दोस्तों, ये रहा भाग रहा है, देखिए देखिए वो रहा दोस्तों, भाग गया, मेरा आवाज़ सुना तो भाग गया, भाग रहा है, देखिए वो रहा, पूरा ड्रेन साइड में था दोस्तों, लोग टोटली नहीं भागा है इसको, भाग रहा है, डर रहा है बहुत तगड़ा। इधर चलो पाऊँ, बहुत सारे हैं, बहुत सारे, चुप 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 से देखते हैं, चुप चुप कर देखते हैं, देखिए पूरा देखिए ना दोस्तों, बकरी भीड़, गाय भीड़, बैल भीड़ जैसे दिख रहे हैं, कैसे चार रहे हैं देखिए, हैं बहुत सारे हैं दोस्तों। देखिए इधर एक, इधर एक, दो हैं, तीन, चार, चार पीस गिनो ना, पाँच भी बहुत सारे हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, भाई चिल्ला मत चिल्ला मत चिल्ला मत, देखिए मैं अच्छे से गिन नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, ड्रोन होता तो शायद पूरा पास से मिल रहता वीडियो क्लिप, बहुत सारे हैं, कितना बढ़िया चार रहे हैं, चिल्लाओ मत, कोई भी चिल्लाओ मत, टोटली चिल्लाओ मत, आराम से देखो गिनो कितना पीस है एलिफेंट, बहुत सारे हैं। ये सामने क्रॉस करेंगे, इधर उधर एक रास्ता है ना, आराम से चार, हाँ ऐसे साइड साइड में चार चार कर, जंगल की तरफ ही जाओ, हमारा गांव की तरफ मत आओ, जंप पे आराम से गिर रहे हैं। हाँ अभी जा करके पता चला एलिफेंट सबको कि इधर लोग आए हैं, खड़े हो गए, देखिए चुपचाप हो गए। ये ड्रेन का डीप है 10 फुट और ये जो लंबा है ये भी 10 फुट है दोस्तों। ओ भाई एक ही साइज बड़ा एलिफेंट है, बहुत ही बढ़िया चार रहे हैं, क्या खा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन बारिश नहीं होता उसी दिन टोटली नहीं चरते हैं, हर वक्त इसे चलते रहते हैं, फाके ही निकालने के लिए कोशिश करते हैं, गांव के अंदर चले जाते हैं मैंगो फेंगो खाने के लिए, बट आज बहुत ही बढ़िया जंगल के अंदर चार रहे हैं। सामने देखो, सामने देखो, सामने देखो, हाँ हाँ बहुत डिस्टेंस में जा रहे हैं, फाइनली मैं पेड़ के ऊपर उड़ गए हूँ और एलिफेंट साहब को मैं ट्रैक कर रहा हूँ कि इधर जा रहे हैं। ड्रेन का इस साइड में ही हूँ अभी तक
और एक बंदा हमारा डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, करता है, ड्रेन का दूसरा साइड में है, पूरा रिक्स जोन में वो चला गया है। एलिफेंट सब इधर ही आ रहे हैं दोस्तों, हमारा गांव में ही आज निकलेंगे, पूरा फाइनल कर लिया हूँ, क्योंकि इधर से और किधर भी नहीं जा रहे हैं। और सामने ही ट्रक भी है दोस्तों, क्रॉसिंग ट्रक है। क्या क्या करने को नहीं पड़ रहा है दोस्तों, अगर ड्रोन होता तो इतना मेहनत करने के लिए नहीं पड़ता, एक जगह में बैठ करके हम लोग ट्रैक कर पाते हैं। इस बार देखेंगे, हम लोग बोलेंगे डिपार्टमेंट वालों को एक ड्रोन प्रोवाइड कर दो एलिफेंट सबको ट्रैकिंग करने के लिए। ओ रघु आपको जानी बे विराट बड़ोटा, अगर भगाएंगे तो भागने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा, सीधा गड्ढे में जाप करेगा, और ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अगर ये बारिश में हम लोग ट्रैक नहीं करेंगे तो रात भर हम लोग अच्छे से नहीं सो पाएंगे, इसी वजह से भीगते हुए ट्रैक करने के लिए पड़ रहा है। यार दूसरा गांव की तरफ जा रहे हैं एलिफेंट सब, कितना पीस एलिफेंट है हम लोग अभी तक नहीं गिन पाए हैं, देखने के लिए हम जा रहे हैं भाग। तो भाई एनर्जी खत्म, ओ भाई क्रॉस कर लिए। देखिए दोस्तों, चलो दूसरा साइड क्रॉस कर लिए दोस्तों, हमारा गांव भी पूरा सेफ में है। दो ही पीस में देख पाए और सब दूसरा साइड का जंगल के अंदर घुस गए हैं इस साइड का, और क्रॉस कर रहा है। देखिए दोस्तों बच्चे के साथ, छोटा बच्चा है, भगाने के लिए ट्राई कर रहा है दोस्तों। चलो भाग भाग रे भाई, किसी रिएक्शन नहीं। डर के मारे इसको देखिए ना, किसी चप्पल में खेल करके हाथ में पकड़ कर रखा है फेंकने के लिए।